दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा तो हर जगह होती है, पर आपने कभी यह सोचा है कि कहीं दानवों की पूजा होती होगी? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इस छोटे से गांव खोपा में दानवों की भी पूजा की जाती है। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से देवों और दानवों के बीच लड़ाई होती थी, देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन इस गाँव में छत्तीसगढ़ के दानवों की भी पूजा होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सुजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं आपको एक छत्तीसगढ़ की बहुत ही रहस्यमय और अनोखी जगह पर लेकर आया हूं। आज हम लोग आए हैं खोपा। खोपा दोस्तों सूरजपुर जिले का एक छोटा सा गाँव है और यहाँ एक खास मंदिर है, खोपा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि उस मंदिर में देवी देवता नहीं, दानव पूजे जाते हैं। तो आज मैं आप लोग को खोपा के इस खोपा धाम में लेकर जाने वाला हूँ। एक्चुअली में ये जो जगह है सूरजपुर और सरगुजा संभाग में काफ़ी फेमस है, तो आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ। न्यूज़ में भी काफ़ी तक रहा है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ खोपा ग्राम में, देख सकते हो बैक साइड में, और ये चौक है। तो आपको इस साइड वाले रास्ते पे जाना है, गेट बना हुआ है खोपा ग्राम पंचायत अंदर जाने का, और दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी परेशानियाँ दूर करने के लिए और दूर करके जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना अभी से। चलिए तो दोस्तों, यह खोपा धाम छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है, जिसकी दूरी अंबिकापुर से 34 किलोमीटर, कोरबा से 172 और बिलासपुर से 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आपको स्वयं साधन का उपयोग करना होगा। दोस्तों, यहाँ खोपा धाम में बकासुर नामक राक्षस दानव की पूजा की जाती है, जिसका साक्ष्य आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं खोपा धाम में। सूरजपुर का बहुत ही फेमस जगह है ये, तो अभी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। यहाँ पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी अच्छे से बनवा दिया गया है ना, तो पूरा मंदिर जैसा दिख रहा है। पहले एकदम खाली हुआ करता था। चलो आपको दर्शन कराता हूँ। पहले यहाँ महिलाओं की पूजा करने के लिए प्रतिबंधित था, लेकिन अब यहाँ हर किसी को पूजा करने की अनुमति है। आपको यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख बकासुर या फिर खोपा देवी खोपा देवता का मंदिर है। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ इच्छाएं लेके आते हैं लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां दूर करने के लिए, और अपनी परेशानियों एवं दुखों को दूर करने के बाद वह यहाँ मुर्गे या फिर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आप यहाँ पूजा करने के बाद यहाँ से चढ़ाया हुआ प्रसाद अपने घर वापस नहीं ले जा सकते। यहाँ मुख्यतः दोस्तों बकासुर की पूजा की जाती है, जो कि ऋण नदी के किनारे रहने वाला एक राक्षस था, जिसने इस गाँव में रहने के लिए इच्छा जाहिर की और तब से वह यहाँ रहता है और उसकी पूजा की जाती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दोस्तों अपने दुखों और परेशानियों को दूर करने के लिए आते हैं, बकासुर नामक राक्षस या फिर खोपा देवी खोपा देवता से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, और अपनी इच्छाओं को पूरी होने के बाद वह उन्हें बकरे या फिर मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। बकासुर राक्षस, खोपा देवी खोपा देवता और इस खोपा धाम के रहस्य को जानने के लिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ के पुजारी जी से खास बातचीत की, जिसे आप वीडियो में आगे जरूर देखें। आप पूछ सकते यहाँ कैसे कैसे होते, कितना जैसे 10 साल बीमारी है, 5 साल की बीमारी है, सुबह गोली में तर्स रखे, डगडरी में नहीं सके, तो जैसे अरे चला खोपा धाम जाए देखिए। अच्छा, ये कौन सा देवता है? तो खोपा धाम आते खोपा देवता नहीं सुने, खोपा खोपा बोला था पहले। हाँ, ये खोपा के देवता जाके खोपा, ये खोपा देवता और खोपा देवरानी, ये मैं दोनों देवता जाके नर नारी दोनों की मूर्ति है, देखत तो है सामने। जेकर काम की जितना तो जेकर जब मांग भी उतना तो के दे ही, जो भी तक कहे रवे फल फूल चढ़ाए, जो कहे रवे तिला तो के देने पड़ी, कहे रवे तिला तो काम कर तो नहीं देवे, तो हाथ से मांग और तो काम हो ही तिला तो के लाइन दिए देना, फिर तक कहे रवे तो नहीं लाना देवे नहीं, जेकर काम यही है और लेकर घर दूरा काबर नहीं बने, ये चार चौलीस ला के देखना है, सुई तुट के चारे ऊपर चारे कौन हाला, घर का वाटर अगर एक मंदिर बन जाते तो मंदिर में कहाँ जाला देखो,
अब मंदिरों बनावा थे तो एक 10 फीट 12 फीट 15 फीट ऊंचाई बनाए। अब एक एक दांत अगाध एक दांत पता ले तो घर कहाँ देने बने थे, मंदिर कौन बनाए? इसलिए मंदिर नहीं बनता है, देखने वाला है 1484,000 जूनी किसको भाग मिला है। तो 484,000 जूनी को भाग मिले तो घोड़ा तरी रही तो घोड़ा तरी ले कितना ले देख, खुला में मैदान में कले पूरा 1400 दिक्कत है। अब एक जग हो जाना है, अब एक जग जे मांग, ये नहीं कि यही चीज मांग, जो तोर सद है दे तोर दुख जरूर तुके हल कर। अब हल करी तेला कहे रहे फल दो फूल दो तेला तुके तो आज जोड़ी चढ़ाना पड़े। तो दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का खोपा धाम एक बहुत ही रहस्यमय और पवित्र जगह है जहां दानवों की पूजा होती है देवताओं के रूप में। आपको अगर मौका मिले तो आप यहां ज़रूर जाइएगा और यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए बाय।